पटना पुलिस के नाक में दम कर रखे शुभम उर्फ नेपाली को पत्रकार नगर पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि शुभम उर्फ नेपाली पेशेवर अपराधी है। चौक थाना अंतर्गत हरमंदिर गली में पहले भी इसकी गिरफ्तारी फायरिंग मामले में हो चुकी है और ये जेल जा चुका है। एसपी संदीप सिंह ने पूरे मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में दो दिन पहले पान दुकानदार साहिल कुमार की गोली मारकर हत्या मामले में इसी का हाथ था, जबकि इसने मोबाइल लूटपाट मामले में एक और व्यक्ति की गोली मार दी थी। काफ़ी मशक्कत के बाद शुभम उर्फ नेपाली की गिरफ्तारी हो पाई है। मतलब डिटेक्ट किए, मतलब पता लगा था इनको, एसएचओ पत्रकार नगर इसमें जो है और उनकी टीम कार्यरत हो गई। इसके बाद जो है ये अभियुक्त जो है ये जीआरपी बगल में जो लाइन थी रेलवे लाइन थी उसको क्रॉस करके इसने जीआरपी के जो एक टेक्नीशियन है उनके साथ भी जो है लूट की घटना को अंजाम दिया था। सर पे उनको बट से मारा था। राजीव कुमार यादव उनका नाम है। जीआरपी में इसमें एक केस भी दर्ज हुआ है। तो ये जो सारी घटनाएं हैं, जब पत्रकार नगर पुलिस ने इसका उद्भेदन किया, डिटेक्शन किया बेस्ड ऑन इनका भी जो सीसीटीवी रहता है या टेक्निकल इंटेलिजेंस है या जो मैनुअल इंटेलिजेंस है सबका जो है, तो जो मिलान हुआ प्लस जो है स्वीकारोक्ति बयान जो अभियुक्त के हैं, तो यही है कि ये अभियुक्त जो है जिसका नाम मैंने बताया शुभम नेपाली आर्यन कोला मतलब अलियास नाम इसके, ये यही अभियुक्त है जो इन घटनाओं में जो है कार्यरत है। इस अभियुक्त के पास से जो है ये अभी जो मोबाइल्स रिकवर हुए हैं इसमें जो साहिल कुमार हैं जो पान दुकान चलाते थे चित्रगुप्त नगर के रहने वाले थे पत्रकार नगर में, उनका मोबाइल रिकवर हुआ है इससे। इसी प्रकार जो है इससे जो जीआरपी के रेलवे कर्मचारी थे राजीव कुमार यादव, इनसे छीना हुआ मोबाइल भी इससे रिकवर हुआ है। और जैसा मैंने पहले बताया कि जो अगम कुआं पुलिस ने जो है लीड ली थी इसमें इन्वेस्टिगेशन में एएसपी पटना सिटी के नेतृत्व में, तो उसमें जो मंटू कुमार थे जो ट्रैक्टर चालक थे उसका मोबाइल भी जो है सक्सेसफुली रिकवर हो गया है। सभी घटनाओं में यूज जो हथियार है पुलिस के पास रिकवर्ड है, उसके साथ दो जिंदा गोली भी इसके पास है वो भी रिकवर्ड है, जो कपड़े इसने पहन के कांड किया था वो भी रिकवर्ड है। तो इस प्रकार एक सीक्वेंस ऑफ घटनाओं का जो है सक्सेसफुल उद्भेदन किया गया है, जिसमें पत्रकार नगर थाना और विशेषकर अगम कुआं पुलिस और एएसपी पटना सिटी की टीम ने बहुत सराहनीय काम किया है। कितने घटना का उद्भेदन ये किया गया और जो मंटू को क्यों ये हत्या किया? जैसा मैंने पहले बताया कि इसका मोडस बेसिकली रहा है कि छिनताई लूट की घटनाओं को अंजाम देना, उसी के क्रम में रेजिस्टेंस के दौरान गोली मारने की टेंडेंसी अपराधी की रहती है, सभी अपराधी की नहीं कुछ अपराधी की रहती है। पहले भी सर अपराधी की रिकॉर्ड रहा है? अपराधी के रिकॉर्ड जो है रहा है, जो भी हम पता लगाए हैं इसका, ये पहले क्योंकि नाम भी बदल बदल के रहता रहा है, डेरा भी बदल बदल के रहता रहा है, चौक थाने में जो है हरमंदिर गली में जो है ये फायरिंग का केस इसके ऊपर है, एक और आर्म्स एक्ट का केस इसके ऊपर 2020 में हुआ था जिसमें ये जेल में भी गया था, फिर जो है ये बेल पे लगभग 8 महीने पहले 9 महीने पहले ये बेल पे था। सर हथियार कहाँ से ये लाया था, खरीदा था या किसी से मांगा था कोई सर? ये सारा अनुसंधान का पार्ट है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं। और सर बाइक किसकी है जो एशियन प्रो बाइक छोड़ के भागा था? जो बाइक का सत्यापन हुआ है वो बाइक जो है जो पत्रकार नगर वहीं पे मिल गई थी, बाइक जो है वो चोरी की किसकी बाइक वो हम अनुसंधान का पार्ट है, हम लोग इसमें सर के साथ था या ऐसे ही रखा हुआ? नहीं नहीं चोरी का बाइक था, इस्तेमाल यही कर रहा नहीं, वही हम कह रहे हैं जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है दैट विल नॉट बी डाइवर्ज, बाइक चोरी का था, कौन मोडस है वी आर ट्रैकिंग। सर शुभम उर्फ नेपाली के शुभम उर्फ नेपाली की जो गिरफ्तारी हुई है जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम देता था, पेशेवर अपराधी तो इसको माना जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से दो तीन लोगों को निशाना बनाया 27-28 तारीख के रात को, तो ये जो हथियार के बल पर मोबाइल लूटता था, तो विरोध किए थे वो लोग, साहिल है या जो यूपीएससी का जो छात्र था वो विरोध किया था कि विरोध करने पे ही गोली मार दिया था? यूपीएससी छात्र जो हैं जिनका राहुल कुमार ओझा नाम है, ये तो रजिस्ट किए थे, विरोध किए थे, रजिस्ट किए थे। पान दुकान का पान, देखिए
जो घटना है, जब पान दुकानदार को जो है उनकी डेड बॉडी मिली, तो पुलिस के द्वारा ही जो है जब स्पॉट पर पहुंचा गया, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पुलिस को ही इसमें मिली है। अब रीज़न उसमें, क्योंकि सीसीटीवी नहीं है हमारे पास जो है उपलब्ध, तो उसमें रीज़न क्या रहा होगा, उन्होंने रजिस्टर किया या इसने किस परिस्थिति में मारा, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर सारी घटनाओं में नहीं, वहाँ लोग बता रहे थे कि गुटखा वगैरह के रहने के दौरान इस तरह की घटनाओं में और जो पुलिस था इसके साथ क्या किया था। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये अकेला है, मोटरसाइकिल पे निकलता था और हथियार लेके निकलता था, हथियार प्रयोग भी करता था। सर 17 मई को अगर कुआं थाने में घटना हुई, नौबतपुर के चालक मंत्री कुमार की हत्या, तो पुलिस के 28 के बाद एक्टिव हुई क्या गिरफ्तार करने की? नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला है। 17 से इसमें देखिए नहीं, पुलिस कार्यरत थी तो विद इन 10-12 डेज ये केस क्रैक हो गया है। पुलिस जब पुलिस एक्टिव है तभी केस क्रैक हुआ है। ये दोनों केस के बाद गिरफ्तारी हुई ना? नहीं, ये जो केस हैं ये आफ्टर एविडेंस कलेक्शन, जो हमने कलेक्ट किया एविडेंस को और एविडेंस को कलेक्ट करके हमने जो निष्कर्ष निकाला ऑन द बेसिस ऑफ जो साक्ष्य रहता है, दैट इज व्हाई वी हैव रिड्यूस्ड के यस दिस इज द पर्सन, ये वो व्यक्ति है, चिन्हित हुआ है, कन्फेशनल में आया है, रिकवरीज हुई हैं, मोबाइल्स रिकवर हुए हैं। पुलिस तो डे वन से एक्टिव है, 28 के बाद गिरफ्तारी, घटना के बाद गिरफ्तारी होगी ना? तीन घटना के बाद नहीं, जो आप कह रहे हैं गिरफ्तारी इसकी कल हुई है, लेकिन कांड का जो है इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द डे वन वी हैव स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। सर इसके एक्टिविटी से नहीं माना जाए, ये साइको टाइप का व्यक्ति है और पढ़ा लिखा है कि ये नशे का आदि था, कुछ ये सब चीजें पता चल पाई है? क्रिमिनल टर्मिनोलॉजी है वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल बिहेवियर जी। उसमें हम यही कहेंगे कि आपराधिक प्रवृत्ति जो है वो अलग अलग नेचर की अलग अलग व्यक्ति में होती है। ये व्यक्ति जो है ये पुलिस की हिरासत में आया है, तो ये पुलिस के लिए और आमजन के लिए एक राहत की बात है, सुकून की बात है कि लोग जो हैं एटलीस्ट ऐसे अपराधी जेल में रहेंगे तो सड़कों में सेफ। पढ़ा लिखा भी है क्या सर? ये पढ़ा लिखा भी है क्या? मोटस तो इनका देखिए, मोटस तो हर बंदे का जो है वही है बेसिकली, जो लूट करेगा करके जो है जो भी उसके नीड्स हैं वो पूरी करेगा। पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है यार, हाथ में तो पूरा टैटू तो बना। देखिए जो कन्फेशनल है उसमें जो रेलिवेंट डिटेल्स हैं वो हमने शेयर कर दी है आपसे, बाकी ये है कि नशे का आदि है नहीं है, इसमें जो है जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसके पास से मान लीजिए नशा करके करता था, ये करता था, वो करता था, तो वो स्पेकुलेशन है, तो मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाता। नहीं, मोबाइल और पैसा के लिए जो है वो व्यक्ति अपराधी, अपराधी अपराधी इसीलिए तो अपराधी है कि वो अपराध कर रहा है, इसीलिए तो वो अपराधी है। सर पत्रकार नगर में एक पुलिसकर्मी को गोली मार, पुलिस ने इसके पास से लूटे हुए मोबाइल और हथियार को भी जब्त कर लिया है और पुलिस ये पता लगाने में लगी है कि आखिर इसके अन्य साथी कहां और इसका आपराधिक इतिहास क्या है। रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।